क्या वेट लॉस करना वाकई ही आसान होता है या हम उसे बहुत मुश्किल बना देते हैं? आइए आज इसी बारे में बात करते हैं। मज़ीद इंफॉर्मेटिव वीडियोस के लिए मरहम के यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को ज़रूर प्रेस करें। अस्सलाम वालेकुम, मैं हूँ ज़ैनब गुंदल। मैं डाइटिशियन, न्यूट्रिशनिस्ट और फूड टेक्नोलॉजिस्ट हूँ और आज हम बात करेंगे कि किस तरह से आप अपना वज़न कम कर सकते हैं। हम जिससे भी बात करते हैं, लोग अक्सर कहते हैं कि मैंने डाइट प्लान तो डाइटिशियन से बनवा लिया था लेकिन वो बहुत एक्सपेंसिव था, मैं उसे फॉलो नहीं कर पाया, मेरे लिए फॉलो करना मुश्किल हो गया, या सॉर्ट ऑफ मेनी रीजंस क्यों मैंने फॉलो नहीं किया। इस वीडियो के एंड पे मैं आपसे एक छोटी सी टिप ज़रूर शेयर करूँगी कि अगर आप वो फॉलो करें तो वज़न बहुत आसानी से ड्रॉप आउट होना शुरू हो जाएगा। लेकिन पहले डाइट प्लान डिस्कस कर लेते हैं डिटेल से, ताकि आपके लिए एक आसानी हो सके, एक पैटर्न बन सके। क्या आप मरहम की सर्विसेज अवेल करना चाहते हैं? तो आज ही गूगल करें हेल्प मी मरहम और घर बैठे डॉक्टर की अपॉइंटमेंट बुक कराएं, या फिर ऑनलाइन वीडियो कंसल्टेशन के थ्रू अपने डॉक्टर से ऑनलाइन बात करें और मेडिसिन और लैब टेस्ट के ऊपर डिस्काउंट भी हासिल करें। डाइट प्लान की जब हम बात करते हैं तो हर इंसान का स्पेसिफिक होता है, हर इंसान ने अपनी बॉडी टाइप के लिए लेना होता है। लेकिन एक नॉर्मल जो स्टैंडर्ड मैं शेयर कर देती हूँ, ताकि हर लड़की, लड़का, बच्ची, बच्चा जो भी फॉलो करना चाहे वो उसको फॉलो बहुत इजीली कर सके, वो क्या है। सबसे पहले आपने जब भी उठना है, आप सुबह 8 बजे उठ रहे हैं, 7 बजे, 9 बजे, 10 बजे, मैक्सिमम 10 बजे तक टाइम होता है आपके ब्रेकफास्ट का। आप जब भी उठ रहे हैं, आपने उठते के आधे घंटे से घंटे के अंदर अपना ब्रेकफास्ट जो है वो कंप्लीट पोर्शन जो है उसको लेना है और उसको कंप्लीट कर लेना है आपने। ये हो गया आपका ब्रेकफास्ट। अब ब्रेकफास्ट में ऑप्शंस क्या हो सकती हैं? आप ब्रेड को प्लीज़ अवॉइड कीजिए, रोटी खाना जो है वो कॉमन बनाएं, रोटी खा सकते हैं, अंडा खा सकते हैं, बॉयल्ड एग और दूध का ग्लास ले सकते हैं, एक प्रॉपर प्रोटीन मील हो जाएगा। इसके साथ आप ड्राई फ्रूट्स ले सकते हैं, सीड्स का 1 चम्मच, जो कि मुझे बहुत पसंद है और मैं अक्सर रिकमेंड करती हूँ अपने पेशेंट्स को। और अगर वो फीमेल्स जिनको हार्मोनल इम्बैलेंस का इशू है, जिनको PCOS है, जिनका वेट कम नहीं होता, जिनके पीरियड्स का इशू है, जिनको मेनोपॉज का इशू है, अगर वो यूज़ करती हैं सीड साइकिल को डेली बेसिस पे, तो वो अपना वज़न बहुत इजीली ड्रॉप कर सकती हैं। ये तो हो गया आपका ब्रेकफास्ट, जो कि बहुत इम्पॉर्टेंट है। और वो लोग जो वज़न कम करने में पराठा भी खाना चाहते हैं, वो भी पराठा खा सकते हैं। आई नो आप सब यहाँ पे बहुत हैरान होकर सोच रहे होंगे कि पराठा वेट लॉस में? एग्जैक्टली, आप पराठा बिल्कुल खा सकते हैं, लेकिन पराठा खाने का वो तरीका नहीं होगा जिस तरह आपके घर में पराठा बनता है। पराठे का साइज आपका हैंड जितना होगा, फीमेल के लिए 6 इंचेस, मेल के लिए 7 इंचेस मैक्सिमम। रोटी सादी बनेगी और बनने के बाद जब आप उसको अपनी प्लेट में सर्विंग के लिए रेडी कर लेंगे तो उसके ऊपर आप 1 टीस्पून देसी घी का या ऑलिव ऑयल का या कोकोनट ऑयल का लगा सकते हैं। ये तीनों ऑयल ही इस तरह अगर आप इस्तेमाल करेंगे तो आपका वज़न बहुत अच्छा कम करवाएंगे। उसके बाद बारी आती है स्नैक की। आपका स्नैक जो है वो अराउंड 11 से 1 बजे के दरमियान हो जाएगा, जिसमें आप क्या लेंगे, आप कोई सा फ्रूट जो सीजनल हो ले सकते हैं। फ्रूट चाट हम नहीं खाएंगे। जब भी आपने वेट लॉस करना हो, फ्रूट जूसेस और फ्रूट चाट बिल्कुल बंद है, वो आपने इस्तेमाल नहीं करनी। कोई भी फ्रूट आप एक सेब ले सकते हैं, एक आड़ू ले सकते हैं, इवन आप एक चुकंदर ले सकते हैं, जो कि आपका खून बहुत अच्छा बनाएगा और आपका वेट लॉस होते हुए जो स्किन ढलक जाती है वो उसको अवॉइड करेगा। आप बहुत इजीली स्किन को भी अच्छा रखेंगे, खून भी बनता रहेगा और वज़न भी कम होता रहेगा। लेकिन चुकंदर का साइज़ छोटा होना चाहिए। अगर आपके चुकंदर का साइज़ बड़ा है तो आप एक टाइम पर हाफ का इस्तेमाल कर सकते हैं। दोपहर में अगर आपने मॉर्निंग में रोटी नहीं खाई थी, अपना पराठा नहीं खाया था, तो इस टाइम पे आप 1 6 इंचेस की रोटी लेंगे। जो भी ग्रेवी आपके घर में बनी है सिवाय आपके आलूओं के, आप हर चीज़ खा सकते हैं, ठीक है। और अगर आपके घर में दाल बनती है ज़्यादा, तो आप उसके साथ चावल खा सकते हैं। दाल और रोटी जो है वो आपको मोटा करती है, दाल और चावल, क्योंकि एक का ग्लाइसेमिक इंडेक्स बहुत हाई है, एक का बहुत लो है। आप इकट्ठा खाएंगे तो आपका वज़न जो है वो कम करेगा। डायबिटीज़ पेशेंट के लिए, अगर आप डायबिटिक हैं और आप इस तरह से खा रहे हैं, तो भी आपकी ना तो शुगर हाई होगी और आपका वज़न भी कम हो जाएगा।
3 आता है हमारा सेकेंड स्नैक, उसमें आप क्या खाएं। 3 में आप बाउल फुल ऑफ सैलेड का खाएंगे। अपने स्नैक लोगों को समझ नहीं आ रही होती, आप पूरे दिन में किसी भी टाइम जब भूख लगे खीरा खाएं। खीरे में सिर्फ 10 कैलोरीज होती हैं और पानी बहुत ज़्यादा होता है। जैसे मैं अक्सर कहती हूँ, ईट योर वाटर, अपना पानी सिर्फ पिए नहीं, अपना पानी खाएं भी। अगर आपने खीरा खाया है तो खीरा आपने पानी अपना खाया है। आप कैप्सिकम खा सकते हैं, गोभी खा सकते हैं, शिमला मिर्च लें, टमाटर लें, एक बाउल फुल सैलड्स का बनाएं, उसके अंदर आप इमली डाल सकते हैं। मेरे तो मुंह में अभी से पानी आ रहा है, मुझे वो इतना मज़े का लग रहा है। आप भी खाएंगे तो फॉर श्योर आपको भी बहुत मज़ा आएगा। और डिनर की अगर हम बात करें तो डिनर में आप चिकन, मटन, बीफ, कुछ भी, बारबेक्यू, ग्रिल्ड, बेक्ड, इन तीनों ऑप्शंस में से कोई भी ऑप्ट कर सकते हैं। उसके साथ आप रायता या दही का इस्तेमाल बिल्कुल कर सकते हैं। लेकिन अगर आपका रात को रोटी या चावल खाने का दिल करे तो क्या आपको खाने चाहिए? बिल्कुल आप रात को खा सकते हैं। मसला रोटी या चावल में नहीं है, मसला उसकी क्वांटिटी में है। अगर आप 2 रोटियां रात को खा रहे हैं, वो आप सुबह ब्रेकफास्ट में भी खाएंगे तो भी आप मोटे ही होंगे। रात को अगर आप रोटी ले रहे हैं तो 6 इंचेस की रोटी लें, उसके साथ दही का इस्तेमाल आपने नहीं करना। आप सिंपली अपने वेट को कम कर लेंगे आप इसके साथ, इस डाइट प्लान के जो मैंने बताया है, इसके साथ 15 ग्लास पानी और ऑलमोस्ट आधे घंटे की वॉक और आधे घंटे की एक्सरसाइज करेंगे तो आपका, मैं गारंटी देती हूँ, 1 मंथ के अंदर 3 से 4 किलो बहुत आसानी से ड्रॉप हो जाएगा। और जिस टिप की मैंने बात की थी कि मैं एंड पे बताऊँगी, वो ये है कि अगर सुबह उठते ही आप लहसुन का इस्तेमाल करते हैं तो एक तो आपकी कॉन्स्टिपेशन रिलीव होगी, आपके ब्लड शुगर लेवल्स मैनेज होंगे, आपका जो है आप कह सकते हैं शुगर मैनेज होगी, हार्ट डिजीजेस से आप बचेंगे और सबसे बेहतरीन बेनिफिट, आपका वज़न बहुत ज़्यादा ड्रॉप होना शुरू हो जाएगा। आई होप आपको टॉपिक बहुत अच्छे से समझ आ गया होगा। लेकिन अगर आपके और कोई भी क्वेश्चंस हैं तो आप कमेंट सेक्शन में आके पूछ सकते हैं। और अगर आप मेरे साथ अपॉइंटमेंट बुक करना चाहते हैं तो आप मरहम के थ्रू फिज़िकल या ऑनलाइन अपॉइंटमेंट बुक कर सकते हैं, मुझे बहुत अच्छा लगेगा।